1985 की। शहर से दूर पालमपुर नाम के एक कस्बे में महाराजा लग्जरी रिसोर्ट नाम का एक रिसोर्ट था। दूर दूर से पर्यटक यहाँ अपना समय बिताने आते थे। एक दिन हीना अपने पति ऋषभ के साथ इस रिसोर्ट में आई। होटल के मैनेजर सूरज सिंह ने उनका स्वागत किया। सर, आपके लिए हमने इस रिसोर्ट का सबसे आलीशान कमरा बुक किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। हीना रिसोर्ट को देखने लगी, तभी उसकी नजर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया पर पड़ी। वो उस जगह की तरफ बढ़ने लगी। उस जगह एक स्विमिंग पूल बना हुआ था, जिसकी चारों तरफ बोर्ड लगा हुआ था और चारों तरफ लाल रंग की पट्टी बंधी हुई थी। हीना जैसे उस पूल के तरफ बढ़ी, पूल के पानी का रंग लाल हो गया। हीना बुरी तरह से घबरा गई। तभी वहाँ सूरज और ऋषभ आ गए और पानी का रंग पहले जैसा हो गया। मैम, आपसे विनती है कि इस पूल से दूर रहें। क्यों? ऐसा क्या है इस पूल के पास? अरे छोड़ दो हीना, होगा कुछ, हमें क्या। चलो रूम में चलकर रेस्ट करते हैं। हीना और ऋषभ अपने रूम की तरफ जाने लगे। हीना जाते हुए उस पूल को देखने लगी और फिर से पूल के पानी का रंग लाल हो गया। हीना बहुत डर जाती है। कमरे में ऋषभ और हीना सो रहे थे। काली घनी रात में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई और हीना की आंख खुल गई। इस वक्त कौन हो सकता है? हीना ने दरवाजा खोला और चारों तरफ देखने लगी। वहाँ कोई नहीं था। हीना खिड़की के पास आई और बाहर देखने लगी। उसी खिड़की से वो पूल दिखाई देता था। हीना ने देखा कि उस पूल का रंग लाल हो गया है और उस पूल में से कुछ चीखने की आवाजें आने लगी। बचाओ, बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ, मालिक बचाओ। हीना भागकर उस पूल के पास गई और चेतावनी बोर्ड के अंदर चली। कौन है? हीना जैसे ही पीछे हटने लगी, तभी उस पूल से एक भयानक आत्मा उसके सामने आ गई। इतने दिनों बाद कोई आया है, आओ मेरे पास। हीना बुरी तरह डर गई और वहाँ से भागने लगी। पूल में से पानी ने हाथ का आकार लिया और भागती हुई हीना के पैर को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। हीना पूल के अंदर गिर गई। छोड़ दो मुझे, जाने दो। हीना उस पूल में डूबने लगी। उसका दम घुटने लगा और कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। सुबह ऋषभ की जब आँख खुली तो उसने देखा कि हीना कमरे में नहीं थी। ये हीना कहाँ चली गई? ऋषभ रूम से बाहर निकला और हीना को ढूंढने लगा। मैनेजर सूरज उसके पास आया। क्या हुआ सर? मैं हीना को कब से ढूंढ रहा हूँ, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था, तभी उसे उस पूल में एक लाश तैरती हुई दिखी। लाश को देखकर उसकी चीख निकल गई। सूरज सर जल्दी आइए, सूरज सर जल्दी आइए। सूरज और ऋषभ भागते हुए आए। ऋषभ ने पूल की तरफ देखा तो कांप उठा। वो हीना की लाश थी। हीना, हीना ये क्या हुआ तुम्हें? ऋषभ पूल की तरफ भागता है, तभी सूरज उसे पकड़ता है। सर, उस पूल के पास मत जाइए, ये बेला का ही काम है, मैं जानता हूँ। कौन बेला? सर, वो 10 साल पहले इसी पूल में डूब कर मर गई थी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि हीना को किसी आत्मा ने मारा है? ये बात सच है सर। आज से 10 साल पहले बेला नाम की लड़की इसी रिसोर्ट में काम किया करती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ के मालिक मिस्टर राज मल्होत्रा की उस पर नजर थी। एक दिन राज ने मौका पाकर बेला के साथ छेड़खानी करी। बेला मालिक से पीछा छुड़ाकर भागने लगी। मालिक ने इसी पूल में धक्का दे दिया। बेला को तैरना नहीं आता था और उसकी मौत इसी पूल में डूब कर हो गई। मालिक ने मुझे धमकी दी कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। कुछ दिनों बाद वे अपने परिवार के साथ दूसरे देश में जा बसे। तब से इस पूल में हजारों मौतें हो चुकी हैं। कुछ साल पहले हमने इस पूल के चारों तरफ ये बोर्ड लगाया, लेकिन पता नहीं हीना मैडम क्यों इस पूल के पास आ गईं।
मैं हीना की बॉडी निकालना चाहता हूँ ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सकूं। ऐसा मत करिए सर, वरना आपकी जान को भी खतरा होगा। हीना मैडम की बॉडी भी आपको नहीं मिल पाएगी। ऋषभ रोने लगा और हीना की बॉडी को देखने लगा। ऋषभ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसी पूल के पास घंटों बैठा रहा। कुछ ही दिनों में उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और एक रात मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ऋषभ पूल की तरफ बढ़ने लगा और पानी में उतर गया। पूल का रंग फिर से लाल हो गया और पूल की लहरों ने ऋषभ को अपनी लपेटे में ले लिया।